everyone, welcome to Current Crunch। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पेपर बी का। ठीक है, पेपर ए हमारा कवर हो गया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशियोलॉजी नाम से। ठीक है, वहाँ से आप पेपर ए देख सकते हैं सारा। और ये जो पेपर बी है ये हम नितिन सर की लेटेस्ट एडिशन की बुक से कवर कर रहे हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ मैं चैप्टर वाइज PDF अपलोड करती हूँ। 1, 2 और 3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तो इन तीनों चैप्टर्स के PDF, और आज मैं वहाँ पर चैप्टर 4 भी जो है अपलोड कर दूँगी। तो इन चारों चैप्टर्स के PDF आप उस ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं इग्नो मटेरियल जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है एंड कुछ PYQs भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक रिवीजन सीरीज भी आएगी जो आपके प्रीलिम्स के बाद रिवीजन में, जिससे आपको इजी हो जाएगा। एंड ऑल्सो जो चेक्ड आंसर कॉपीज होती हैं टॉपर्स की, उस पर भी मैं वीडियो बना के लेके आऊँगी, जिससे विजन टॉपर्स की जो चेक्ड आंसर कॉपीज है सोशियोलॉजी की, उस पर भी हम वीडियोज़ देखेंगे, ताकि हमें आंसर स्ट्रक्चरिंग वगैरह का थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हमारे कुछ ही टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर के, तो इस वीडियो में हम ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अगर आप देखो कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है, एक्चुअली ऑपोजिट वैल्यू सिस्टम्स है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी आपको क्या टीच करता है? इक्वालिटी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, कि हर कोई इक्वल है। एंड जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए है? लोगों के लिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कास्ट सिस्टम क्या आपको बताता है? ये आपको इनइक्वालिटी दिखाता है सोसाइटी में, कि आप इक्वल नहीं हो बाकियों से। तो एक्चुअली तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन इनको कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो है ये एक नेक्सस बना हुआ है। एंड करंटली अगर आप इंडिया का हाल देखो तो कास्ट सिस्टम आपको या कास्ट आपको पॉलिटिक्स से अलग देखने को नहीं मिलेगी। वही सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में देखनी है। कास्ट इज हायरार्किकल। ऑन द अदर हैंड जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है ये एडवोकेट करता है फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ठीक है, लेकिन एक एम्पेरिकल व्यू भी है जो हमें ऑन ग्राउंड देखने को मिलती है। द आइडियल्स इन एनी सोसाइटी डू नॉट फंक्शन इन वैक्यूम एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो इज नॉट एन डू नॉट फंक्शन इन एन आइडियल टिपिकल मैनर। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो पॉलिटिक्स है, वैक्यूम में तो नहीं चलती, ये आपकी सोसाइटी में चलती है। ठीक है, तो जब सोसाइटी में कोई चीज़ चल रही है तो जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं सारी, उसका असर उस चीज़ पे होगा। अगर पॉलिटिक्स आपकी सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी में जो सारे आइडियल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उन सब का असर जो है वो आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हमारी कंट्री का, ये बिल्कुल एक परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट व्यू में, पिक्चर परफेक्ट फ्रेमवर्क में नहीं चलता है। इसमें भी आपको लूप होल्स हियर एंड देयर देखने को मिलेंगे। दे ऑपरेट विद इन अ सोशल मिलियो, दैट मीन्स वो किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट के तहत काम करता है। जो सोसाइटी के वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिलीफ है, उसका असर उस चीज़ पे होगा। जैसे कि आपके रिलीजन पे असर होता है सोसाइटी का, आपके फैमिली इंस्टीट्यूशन पे होता है। ठीक है, आपकी इकोनॉमी पे असर होता है, वैसे ही आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे भी आपकी सोसाइटी का असर होता है। एंड जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है, तो कास्ट का बड़ा असर रहता है आपके पॉलिटिक्स पे। Hence, in practice, in a society like ours, which has limited resources, caste and other concepts like kinship seek to establish new identities and strive for positions of power. ठीक है, ऐसे competitive scenario में जो politicians है also find caste groupings readily available for political mobilization. क्योंकि caste grouping से क्या होता है, एक group already बना हुआ है जिनकी एक आइडियोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल हम XYZ कास्ट को ही लेंगे, उसकी एक आइडियोलॉजी बनी हुई है। अब अगर उसी आइडियोलॉजी की बातें हम रीइंफोर्स करें या उसी आइडियोलॉजी के हक में हम बातें करें, तो वो सारी कास्ट इकट्ठे मोबिलाइज हो जाएगी, इकट्ठे उनका एक ओपिनियन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा जल्दी। तो आप उनको अपने पॉलिटिकल मतलब के लिए यूज़ कर सकते हो। और हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वही करते हैं। वो बेसिकली एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ वही बात करेंगे जो वो कास्ट सुनना पसंद करती है। ठीक है, ब्रिटिश रूल जो था, इट प्रोवाइडेड इनिशियल फर्टाइल ग्राउंड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द टू, आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड रिलीजन जो है, इट वर ऑफन यूज्ड एज द इमोशनल टूल्स फॉर मैनेजिंग द मासेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे लाई, और उनको पता था रिलीजन बहुत बड़ी चीज़ है जिसपे आप डिवाइड एंड रूल कर सकते हो, और वो चीज़ें अभी भी आपकी सोसाइटी में आपको देखने को मिलती हैं। इसका एक कंस्ट्रक्टिव साइड भी रहा। देयर वर मेनी ग्रुपिंग्स लाइक जस्टिस पार्टी साउथ में एंड लीडर्स लाइक अंबेडकर who called for political empowerment of the depressed caste for an equitable society। कास्ट और पॉलिटिक्स को मिलाने का कुछ पॉजिटिव भी रहा, जैसे अंबेडकर ने यूज़ किया इस अपॉर्चुनिटी को ताकि वो एम्पावर कर सकें जो आपके दलित हैं, आपके डिप्रेस्ड कास्ट हैं उनको। रिपब्लिकन पार्टी फॉर्म्ड इन 1956 बाय दलित लीडर्स अंडर Ambedkar was perhaps the first formal पॉलिटिकल वेंचर आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मोबिलाइज दलित्स. ठीक है, तो अंबेडकर के अंडर फॉर्म किया गया था. फाइन, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी शिज़म देखने को मिले, काफ़ी डिविजन्स आए. रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ए, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवाई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यूनाइटेड. तो आगे काफ़ी इसको शिज़म भी इसमें भी देखने को मिले हमें. पोस्ट इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कि राइट टू वोट अबव 18 सबके पास है. डेमोक्रेसी एंड पंचायती राज सिस्टम फर्दर फ्यूल दीज डायनामिक्स एंड अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास वोट बैंक पॉलिटिक्स हैव कम इनटू प्ले आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गई, जो पॉलिटिकल है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सिस्टम, वो सारा ट्रिकल डाउन किया रूरल एरियाज में भी. अब रूरल एरियाज में भी आपने वॉइस दी उनको कि वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी कास्ट कर सकते हैं वोट्स, वो भी इलेक्ट कर सकते हैं अपने लीडर्स. ठीक है, और उनके पास भी पावर दे दिया थ्रू पंचायती राज सिस्टम. लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी कास्ट सिस्टम का जो बोलबाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था. वो कास्ट सिस्टम पे अभी भी काफ़ी हाईली रिलाई करते थे. तो जब कास्ट सिस्टम कहीं पर हाई है एंड उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गया, तो आप सोचो इन दो चीज़ों की मिक्सिंग किस लेवल की हुई होगी, वही इन्होंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है. The study of Nadars of Tamil Nadu is a case in point about the positive role जो play किया था by politics ने vis-a-vis caste. Defining the importance of caste in Indian politics, Rudolph and Rudolph ने कहा था कि जो political clout है, that means जो political power है, उसको हम use कर सकते हैं change करने के लिए status in the caste hierarchy. ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी कहा, जैसे गुप्ताज वगैरह का कैसे वो increase हुआ था उनका status. तो political power को आप use कर सकते हो अपनी hierarchy को caste hierarchy को improve करने के लिए. ठीक है, उसमें उन्हें एग्जाम्पल दी जो शैनन्स हैं तमिलनाडु के, उन्होंने वही चीज़ यूज़ की. वो एक अनटचेबल कम्युनिटी थी, उन्होंने अपना क्या किया, सोशल स्टेटस चेंज किया. कैसे, पॉलिटिकल पावर लेने के बाद. एंड अब उनको हम क्या बोलते हैं, उनको अब नदार्स के नाम से जाना जाता है. जो कास्ट एसोसिएशंस थी, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ न्यू वाइटिलिटी टू द डिप्रेस्ड ग्रुप्स, क्योंकि डिप्रेस्ड ग्रुप्स के लिए क्या बनी, कास्ट एसोसिएशंस बनी. तो आपने उनको वॉइसलेस लोगों को एक वॉइस दे दी. सिमिलर कंक्लूजन्स वर ऑल्सो ड्रॉन बाय ऑनरे बेते. अब देखो, अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपको ये नाम लिखने ज़रूरी है. आपको याद रखना है कि आप पॉलिटी का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप सोशियोलॉजी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो. तो जिस थिंकर का यहाँ पर जिक्र आएगा, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ एक नाम पढ़ा. ठीक है, हमने M. N. श्रीनिवास पढ़ा, उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करी थी खासकर. तो ये कीवर्ड आप लिखोगे. फाइन, या आगे हम जिस भी थिंकर का इसमें नाम लिखे नाम आप देखोगे इस बुक में, वो आपको अपने आंसर्स में ज़रूर मेंशन करना है. Andre Bede holds that while westernization is taking individuals away from caste identity, जो role है of caste in politics is taking people towards the caste identity and thereby strengthening it. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, caste in politics लोगों को अपनी caste identity की तरफ ले जा रहा है. मैंने आपको पहले भी कहा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है substantialization of caste का. अब कास्ट आइडेंटिटी जो है वो रीइंफोर्स हो गई है. अब कास्ट, आप अपनी कास्ट से दूर नहीं भाग रहे हो, आपको एक स्टैम्प चाहिए कि हाँ मैं इसी कास्ट को बिलोंग करता हूँ, और आप वो चीज़ें प्राउडली बोलते हो. दस पॉलिटिकल प्रोसेस हैज़ अ डुअल इफेक्ट ऑन द कास्ट सिस्टम. इट हैज़ वीकन द ट्रेडिशनल रिलेशन ऑन वन हैंड बट हैज़ स्ट्रेंथन द नंबर बेस्ड कास्ट आइडेंटिटीज ऑन दी अदर हैंड. देखो, अब पॉलिटिकल प्रोसेस ने क्या किया कास्ट सिस्टम के साथ, एक तो ट्रेडिशनल रिलेशंस कम हो गए. क्योंकि कैसे कम हो गए ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस नहीं रही. अब ऐसा नहीं है एक कास्ट दूसरी कास्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या एक कास्ट दूसरी कास्ट को सर्व कर रहा है. अब सबस्टेंशलाइजेशन ऑफ कास्ट हो गई, हर कास्ट रीइंफोर्स कर रहा है अपने आप को कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ. ठीक है, दूसरी तरफ से इसने क्या किया, जो कास्ट आइडेंटिटीज है उनको भी स्ट्रेंथन किया है. नंबर बेस्ड कास्ट आइडेंटिटीज आपकी स्ट्रांग हो गई हैं, एंड जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप था कास्ट का कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करती थी, वो भी वीक हो गया है. एंड कास्ट के बीच अब कंपटीशन आ गया है, वो सबसेंशलाइज कर रहे हैं अपने आप को, स्ट्रांग बना रहे हैं. रजनी कोठारी ने कास्ट एंड पॉलिटिक्स में आपको 3 ये दिए थे डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है, इन द प्रोग्रेशन ऑफ कैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो गई इंडिपेंडेंस के बाद. तो फर्स्ट स्टेज में ही सेट जो स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर है ये लिमिटेड था आपकी हाई कास्ट, जिनको एंट्रेंस्ड एंड असेंडेंट कास्ट बोला जाता है, जो इकोनॉमिकली एंड आपकी पॉलिटिकल वाइज स्ट्रॉन्ग कास्ट थी. सेकेंड स्टेज में इन कास्ट के बीच में कंपटीशन आ गया, एंड इट लेड टू द स्प्लिट एंड फैक्शनलिज्म हो गया. इन्हीं कास्ट के बीच में क्या हो गया, फैक्शंस बन गए अलग अलग, शिज़म डेवलप हो गया. थर्ड स्टेज में जो लोअर कास्ट थे देवर मोबिलाइज्ड, एंड अब वो सब्सटैंशिएट करने लगे खुद को, वो भी असर्ट करने लगे पॉलिटिकल डोमेन में. ठीक है, इन हिज वर्ड्स इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स में कास्ट नहीं घुसी है, आपका जो कास्ट है वो पॉलिटिसाइज हो गया है. तो रजनी कोठारी की 3 स्टेजेस एंड रजनी कोठारी नाम जो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स में आपके इस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आपको याद रखना होगा। ऐसे करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, हर टॉपिक में आप थिंकर्स लिखोगे कि कौन कौन से थिंकर जो हैं उन्होंने इसके बारे में बात की है, और थिंकर्स का मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। With the extension of adult franchise, post-colonial India में each social group and subgroup got mobilized for a share in the developmental process and competed for the positions in the state bureaucracy। तो अब universal adult franchise से क्या हुआ, हर ग्रुप को अपनी एक opinion सामने रखने का मौका मिला, developmental process का part बनने का मौका मिला, और state bureaucracy में आने का भी एक जो है वो मौका उस चीज़ से मिला। The Indian polity is thus governed by both vertical mobilization by the dominant caste and the horizontal alliances in the name of जाति and वर्णा। एक तो डोमिनेंट कास्ट की वर्टिकल मोबिलाइजेशन हो रही थी, वर्टिकली अपवर्ड्स आ रहे थे। सेकंड, अलायंस बन रहे थे ऑन द बेस ऑफ जाति एंड वर्णा, जैसे कास्ट एसोसिएशंस बन रही थी, अलग अलग जाति जो है वो जो सेम लेवल पे लाई करती हैं जातिज, वो सारी मिलके अपनी अपनी कास्ट एसोसिएशंस बना रही थी। वो अलायंस हम आगे भी देखेंगे, अजगर नाम से एक अलायंस बना था, ठीक है, वो हमें आगे देखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कास्ट एंड पॉलिटिक्स इंटरेक्शन जो है अनफोल्ड इन डिफरेंट फेजेस। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कास्ट एंड पॉलिटिक्स का, पहले फेज में कुछ कास्ट एसोसिएशंस बनी थी, उनका था पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कि वो कम्पीट कर सकें इलेक्शन में, लेकिन उनको उन जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको रन अभी भी कौन कर रहे थे, आपके जो हाई कास्ट लोग थे, तो इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी और उनको टिकट नहीं मिल रहा था इलेक्शन के लिए। ये पहले फेज में हुआ था। सेकेंड फेज में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी आइडेंटिफाइड विद सर्टन कास्ट, ठीक है, कुछ कास्ट की पॉलिटिकल पार्टीज खुद को कुछ कास्ट से आइडेंटिफाई करती थी, जैसे आपकी भारतीय क्रांति दल थी, ये अलायंस थी। 4 मेजर पेजेंट कास्ट ऑफ यूरोप इन 1916 ऑफ यूपी इन 1969 इलेक्शन, ठीक है, ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो किसी कास्ट से खुद को आइडेंटिफाई करती थी, उनका मोबिलाइजेशन इलेक्शन में स्टार्ट हो गया। अलायंस वॉज कॉल्ड अजगर, जिसमें अहिर जात गुजरात एंड राजपूत से जो मैंने अभी कहा हॉरिजॉन्टल वो मोबिलाइजेशन, वो अलायंस जो है वो भी बनना शुरू हो गए थे। लोक दल था, इट वाज आइडेंटिफाइड विद जाट्स इन यूपी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी किसी तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज किसी सर्टन कास्ट के साथ खुद को आइडेंटिफाई करती थी, और उनकी जो है पॉलिटिकल उनकी मोबिलाइजेशन इन इलेक्शन स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स वो इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए थे। समाजवादी पार्टी थी, इट वाज आइडेंटिफाइड विद बैकवर्ड कास्ट इन जनरल एंड यादव्स इन पर्टिकुलर, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी किसके साथ एसोसिएटेड है आपके यादव्स के साथ इन स्टेट असेंबली इलेक्शन, और बीजेपी आपके अपर कास्ट हिंदू। तो पॉलिटिकल पार्टी सामने आ गई किसी सर्टन कास्ट के साथ जो खुद को आइडेंटिफाई करती थी, एंड वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। थर्ड फेज में वी हैव ऑल्सो सीन द इमर्जेंस ऑफ एक्सप्लिसिटली कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब बिल्कुल इनमें तो चलो कोई और आइडियोलॉजी भी होती, लेकिन अब कम्प्लीटली कास्ट के बेस से पॉलिटिकल पार्टी सामने आना शुरू हो गई। And it seemed that as though caste solidarities were decisive in winning elections, but the situation soon got very complicated as parties competed with each other in utilizing the same kind of caste calculus। तो अब although ये caste upliftment के लिए बनी थी ये parties, लेकिन बाद में इसी चीज़ को ये use करके आगे आगे बढ़ने लगे, और सारी जो parties हैं वो एक ही बात करने लगी। तो आप किस बात पे compete करोगे जब हर कोई एक ही बात करेगा, ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इन सारी कास्ट में आने लगी। कास्ट बेस्ड पार्टीज कंटिन्यू टू फॉर्म, तो ये चीज़ रुकी नहीं, ये अभी भी चलती है। भीम आर्मी बनी थी 2015 में बाय चंद्रशेखर आजाद रावण एंड अदर्स टू गिव अ वॉइस टू दलित्स, ठीक है। लास्ट स्टेज में क्या हुआ, एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी। विद द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइज पॉलिटिक्स, जैसे आपका 3 tier पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, उसे क्या हो गया जो पॉलिटिक्स है आपका वो आपके ग्रास रूट लेवल तक आने लगा, अब सेंट्रल कैरेक्टर आपके पॉलिटिक्स का नहीं रहा। कास्ट हैज नाउ बिकम अ प्रोमिनेंट वेरिएबल इन द इलेक्टोरल कैलकुलेशन। हमें पता है कास्ट बेस्ड यहाँ पे इलेक्शन कितने लड़े जाते हैं कास्ट के बेसिस पे। इट इज ऑफन कमेंटेड दैट कि जो इंडिया में इलेक्शन हैव बिकम मोर कॉम्पिटेटिव एज वन गोज डाउन फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव टू पंचायती इलेक्शन। जैसे जैसे आप निचले तबके में जाते हो कास्ट आइडेंटिटी उतनी ज्यादा रीइंफोर्स होती है। अगर कहीं पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो सिटीज में, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा, वो जॉब्स के रिगार्डिंग आपके इश्यूज पसंद करना चाहेंगे, एजुकेशन के रिगार्डिंग। लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में जाओ तो वहाँ पे कास्ट का होल्ड काफ़ी स्ट्रांग है, तो वहाँ पे आप कास्ट बेस्ड बातों से इलेक्शन जीतना काफ़ी ईजी हो जाता है। ऑल्दो वहाँ भी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट हमें पढ़ेंगे। समटाइम्स दे ऑर्गेनाइज कास्ट बेस्ड मीटिंग्स टू, कास्ट बेस्ड मीटिंग्स भी होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कास्ट छुपा हुआ भी नहीं है पॉलिटिक्स में, तो काफ़ी आपको देखने को अलग अलग लेवल पे मिलेगा। सब्सटैंशलाइजेशन हो रही है कास्ट के इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स कंटेम्प्रेरी इंडिया में। सब्सटैंशलाइजेशन मैंने अभी बोला, एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जहाँ पे पॉलिटिक्स करते हो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन आइडेंटिटी, ठीक है, चाहे आपकी, यहाँ पे हम बात करते हैं कास्ट आइडेंटिटी की, किसी और कंट्री में क्लास आइडेंटिटी की हो सकती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नाउ एक्टिंग, जो कास्ट है इट इज़ नाउ यूज फॉर मटीरियल गेन्स एज वेल एज अ कॉमन मार्कर फॉर कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन इलेक्शंस, ठीक है। मटीरियल गेन्स के लिए आप कास्ट को यूज़ करते हो क्योंकि कास्ट की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं वो वही हैं, बस वो लीडर्स यूज़ करते हैं, इस चीज़ को उछालते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। इट इज़ नाउ एक्टिंग लाइक एन इंटरेस्ट ग्रुप, दिस हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। जब हम ओवर एम्फेसाइज करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो एग्जिस्टिंग क्लीवेजेस है ऑलरेडी सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम है, अगर कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड है तो आप क्या करते हो, आप सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड कर रहे हो, तो ये इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन जो है दे आर नॉट फॉट अराउंड रियल इशू, तो रियल इशूज़ जो होने चाहिए, सड़कें, बिजली, पानी, खासकर गाँव में, ठीक है, तो वो इशूज़ वहीं रह जाते हैं और उनको अपने कास्ट का जो बंदा है उसको इलेक्शन जिताना है, तो ये कितनी, मतलब 21वीं सदी में कितनी बुरी बात होगी। कास्ट जो है उनको एक दूसरे के खिलाफ आप लड़वाते हो, एंड द न्यूमेरिकली वीकर कास्ट जो है वो इस चीज़ में हार जाते हैं, और अगर न्यूमेरिकली वीकर कास्ट जो है उनकी कोई वॉइस नहीं रहेगी, वो नहीं, उनका कोई भी बंदा इलेक्शन जीतेगा तो उनके जो इश्यूज़ हैं वो सामने कौन लेके आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है, इससे दुश्मनी बढ़ जाती है। इट हैज़ लेड टू द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक, कुछ पॉजिटिव फॉल आउट्स भी हैं, नई गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक जमींदारी, अनटचेबिलिटी, वो कास्ट से ही आपने हेल्प की थी रिमूव करने की। इट हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द वॉइसेस ऑफ द अंडर प्रिविलेज एज वेल, उनको भी आवाज़ मिली, फिर उनके कितने इशूज सॉल्व होते हैं, नहीं वो सेकेंडरी चीज़ें, बट एटलीस्ट दे गॉट अ वॉइस ऑल्सो। तो आपको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के पॉजिटिव्स भी याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे बाउंसर आ जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता है कि इस चीज़ का हमें दूसरा एंगल भी पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक साल आपको सेक्युलराइजेशन का नेगेटिव पूछा था, सेक्युलर होने का क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, तो आपको हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए। इट हैज़ लेड टू अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी फ्रॉम अ फ्यू डोमिनेंट टू द लार्ज मासेस, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। द मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट वोट फॉर डिफरेंट पार्टीज और लीडर्स, दस इट इज़ नॉट द कास्ट अलोन दैट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये भी इन्फ्लुएंस करता है कास्ट को, उसमें चेंजेस भी लेके आता है, ठीक है। ये था आपका पेज नंबर 387। हाँ देखो, इसमें फिर और एक बीच में आपका कास्ट चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी करके एक टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा मेरी बुक में कुछ पेजेस मिसिंग हैं, तो प्लीज़ अगर किसी के पास ये चैप्टर कंप्लीट है, नई एडिशन का अवेलेबल है, तो मुझे आप मेल करो, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा पेज मेरी बुक से मिसिंग है, तो फिर आप वो मुझे स्कैन कर सकते हो, ठीक है, स्कैन करके मेल कर सकते हो। तो करंट क्रंच 411 पे प्लीज़ मेल करें, आप लिखेंगे हाँ यू हैव दिस अवेलेबल दिस एडिशन, आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली अवेलेबल है उस पर, तो मेरी बुक पे कुछ पेजेस मिसिंग है ताकि वो मैं आपको पढ़ा पाऊँ, उस पर मैं फिर अपडेटेड वीडियो लेके आऊँ जो मिसिंग हमारे जो टॉपिक रह गए थे, ऑल्दो वो मैंने पुराने एडिशन से कवर किए थे, लेकिन मुझे इन नई एडिशन के पेजेस भी देखने हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, कास्ट क्वेश्चन इन 21st सेंचुरी, ठीक है, 21st सेंचुरी में क्या कास्ट का रोल है। कास्ट वॉज एंड रिमेन द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये हमें पता है, ऑल्दो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोशल मोबिलिटी के, कास्ट हायरार्की जो है आर नाउ हायर एज रिजिडनेस ऑफ दिस सिस्टम जो है वो कम हो गई है, इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से रूल ऑफ लॉ, इक्वल सिविल लिबर्टीज, मॉडर्नाइजेशन एंड सो ऑन एज अ सोशल रियलिटी इट रिफ्यूजेज टू फेड अवे। ऑन पेपर ये सारी चीज़ें हैं तो कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखेंगे ये अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंस के बाद एन एफर्ट वॉज मेड टू मोबिलाइज दलित्स थ्रू पॉलिटिकल आउटफिट लाइक रिपब्लिकन पार्टी, बट लेटर ऑन स्प्लिट्स हो गए रिपब्लिकन पार्टी में, ये भी मैंने बोला। In 1980 the rise of Bahujan Samaj Party put the spotlight back on the cause of Dalits, ठीक है, another effort were there in the form of rise of Dalit Panthers founded by Namdev Dasal and others, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है efforts लगाए गए हैं इनकी condition को improve करने के लिए through various political parties, लेकिन बाद में खुद वो कोई political party जो थी वो फिजल आउट हो गई, कोई political party में इतने schism create हो गए कि उनका जो essence था political party form करने का वो भी वीक हो गया। वन ऑफ द गोल्स ऑफ नेशनलिस्ट जो था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल वो था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये किसने कहा था, BR अम्बेडकर ने, ठीक है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन फ्री इंडिया विल एम्पावर एवरीवन इक्वल एंड कलेक्टिव बेस ऑफ द कास्ट आइडेंटिटी विल वीकन, तो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज राइट टू वोट आपको अबव 18 दिया जाता है। इससे था कि कास्ट आइडेंटिटी वीकन हो जाएगी, लेकिन राइट टू 18 अबव 18 जब आपको राइट टू वोट दिया जाता है, ये सब के लिए है, चाहे वो सिटी का हो, गांव का हो, एजुकेटेड हो, इलिटरेट हो। और इंडिया में एजुकेशन लेवल अभी भी काफ़ी कम है, इलिटरेसी काफ़ी अभी भी हाई है, तो उन लोगों को अभी भी आप कास्ट बेस्ड बातों पे इजीली मोबिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट उन लोगों के पढ़े लिखे लोग भी अभी भी कास्ट बेस्ड वोट्स जो है प्रेफर करते हैं। तो फिर जो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे उनको कितनी जल्दी आप मोटिवेट कर सकते हो। तो इस चीज़ से प्रॉब्लम भी हो गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, रूरल रिचुअल डिस्क्रिमिनेटरी आस्पेक्ट ऑफ कास्ट, ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन कास्ट एज अ सोशल रियलिटी जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको सिविल सोसाइटी में चेंज लाना है, लोगों को खुद में चेंज लाना है। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉज आएंगे वो ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आ सकते हैं। आफ्टर गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड, जो लोअर कास्ट मूवमेंट्स है डिडंट रिमेन एज वोकल जितनी वो इंडिपेंडेंस से पहले थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रही दलित लीडर्स की और उनको एक्सेप्टेंस भी दी गई पब्लिक ऑफिस में, तो जो पॉपुलर बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स है वो थोड़ा उनका असर कम होना शुरू हो गया। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके इतना हाई स्टेचर का लीडर आफ्टर द डेथ ऑफ अंबेडकर कोई खास नहीं रहा। कुछ दलित लीडर्स थे लाइक बाबू जगजीवन राम हु वॉज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, बट नन ऑफ देम वर एज वोकल एज अंबेडकर, क्योंकि अब उनको ऑफिस उनको वो लीडर्स को वो कुछ फेस नहीं करना पड़ा जो पहले करना पड़ता था, तो लोग भी थोड़ा कैजुअल होते गए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है विच वॉज जस्ट अराउंड 1% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी बढ़ गया अर्ली ईयर में। लेकिन क्या हो गई प्रॉब्लम, जो भी उनके लिए सीट्स रखी जाती थी वो अनरिजर्व्ड रह गई, रिजर्व सीट जो थी वो क्या वो खाली रह जाती थी, वो वैकेंट रह जाती थी, अनरिजर्व नहीं वो वैकेंट रह जाती थी वो सीट्स। क्यों? क्योंकि एजुकेशन लेवल कम थी। तो दो काम होने लगे, एक तो उनकी एजुकेशन अपलिफ्टमेंट भी होती गई और उनको पब्लिक ऑफिस में रिजर्वेशन भी दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वन एरिया वेयर द वॉइस ऑफ शेड्यूल कास्ट लाउड एनफ वाज द एरिन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अब उनको काफ़ी हम देखते रहे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, अब आपके जो इलेक्शन से आप लीडर चूज़ करते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हो, फिर कुछ टाइम के बाद री इलेक्शंस होते हैं 5 ईयर्स के बाद, तो सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर गेव देम एडुकेट रिप्रेजेंटेशन एट द हाइस्ट लेवल, क्योंकि उनके पास क्या था, उनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी। और आप इलेक्शंस के लिए क्या चाहिए, आपको वोट्स चाहिए, तो वोट्स कहाँ से आएंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी चीज़ की उतने ज़्यादा वोट्स वहाँ से आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से उनको क्या मिला, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी आवाज़ अब ज़्यादा गूंजने लगी। पावर ऑफ वोटिंग वॉज क्विकली रियलाइज एंड इलेक्शंस वर नाउ यूज एज अ बार्गेनिंग टूल। तो अब आपको कौन सी बातें करनी है जो उन शेड्यूल कास्ट को अच्छी लगेंगी, उनके हक में बातें करोगे तो वो आपको वोट करेंगे। तो इसीलिए रिजर्वेशंस वगैरह जो है खासकर इलेक्शंस के टाइम पे इस बारे में ज़्यादा बात होती है, और ये ऐसी रिजर्वेशन लेके भी आते हैं। और अगर आप देखोगे कोई रिजर्वेशन होगी नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस एरिया को टच नहीं करेगी, रिजर्वेशन नहीं हटाएगी, क्योंकि वो उसके इलेक्शन जीतने के लिए एक बहुत बड़ा ये होगा बीच में एक स्पीड ब्रेकर। बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ 1970s फर्दर स्ट्रेंथन द वॉइस ऑफ द डिप्रेस कास्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस थी, एज मेनी अपर कास्ट पीपल स्टिल वांटेड टू असर्ट देयर purported superiority and couldn't digest that a person from SC was now standing on the same pedestal। तो ये तो हमें अभी भी देखने को मिलता है। Over the years, market economy, electoral politics, urbanization, इन सब चीज़ों ने important role play किया है ritual dimensions of caste को weak करने के लिए। तो बोला था इस इमर्जिंग फिनोमेना को एज सब्सटैंशलाइजेशन ऑफ कास्ट। अब कास्ट पॉलिटिक्स की जहाँ बात होगी वहाँ पे आप रजनी कोठारी लिखोगे, ठीक है, फिर कास्ट की बात आएगी, कास्ट आइडेंटिटी रिलेटेड, वहाँ पे लुई डुमोंग का ये सब्सटैंशलाइजेशन ऑफ कास्ट ज़रूरी लिखोगे। जहाँ पे इलेक्शंस और कास्ट की बात आएगी वहाँ पे मोर वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये किसने कहा था, एम एन श्रीनिवास ने। तो ये सारे थिंकर्स आप ज़रूर याद रखोगे, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में मार्क्स करने। वेयर इन ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस एंड हायरार्की अमंग द कास्ट ग्रुप इज ब्रोकन बाय मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस खत्म हो गया, आपका जजमानी सिस्टम वगैरह वो मार्केट इकोनॉमी के आके आते आते खत्म हो गया। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ईच अदर कास्ट जो हम एक दूसरे कम्पीट करते हैं, ठीक है, इससे क्या हो गया, ज़्यादा ज़्यादा सब्सटैंशलाइजेशन हो गई आपकी कास्ट की। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो कॉम्पिटिशन स्केयर्स रिसोर्सेज के लिए था वो काफ़ी ज़्यादा था, रिसोर्सेज ऑलरेडी स्केयर्स हैं, ऐसे में आप रिजर्वेशन ला रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, और ज़्यादा कंपटीशन जो है वो सोसाइटी में बढ़ता जाएगा। पावर इक्वेशंस शिफ्टेड ड्रामेटिकली एज नंबर्स अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस इन democratic politics, a new form of politics started which Srinivas termed as vote bank politics in which communities were wooed as a cohesive group by luring them with benefits which were exclusive to their community और by using divisive tactics and pitted communities against each other. मैंने कहा आप उस कास्ट ग्रुप के सामने अगर वोट मांग रहे हो तो वही बातें करोगे जो उस कास्ट ग्रुप के हक में होंगी, तो वो सुन के खुश हो जाएंगे और आपको वोट देंगे और आप वोट जीत जाओगे. 5 साल तक आप गायब रहोगे, 5 साल के बाद आप फिर से वापस आओगे, वही बातें करोगे एंड साइकिल रिपीट्स. यही यहाँ पे इलेक्शंस में होता आ रहा है. 21st century में Indians are now debating the constitutional provisions that provide for the continuance of the reservation benefits to certain castes. यह हमें पता है, यहाँ पे वो जब आपकी टीना डाबी IAS ऑफिसर बनी थी तो काफ़ी इस बात पे भी क्वेश्चंस हुए थे. ऑलरेडी काफ़ी जो थी फेमस पेरेंट्स की ये थी, ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स की बेटी थी एंड शी यूज रिजर्वेशन एंड प्रिलिम्स उन्हें काफ़ी कम मार्जिन से क्वालिफाई किया था, तो इस बात का भी काफ़ी उछाला गया था. बट देन वो डिजर्व भी करती थी क्योंकि जब उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी उन्हें टॉप किया था, ठीक है, एंड जिस डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रही हैं उन्हें काम भी काफ़ी अच्छा किया है, तो आप उसको बुरा नहीं बोल सकते. देन इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ डिबेट, उनको रिजर्वेशन यूज़ करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी लोग उस टाइम पे रह गए थे. एंड आई गेस एक लड़के ने वीडियो बनाया था, उनके काफ़ी हाई मार्क्स थे लेकिन वो प्री में रह गए थे क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के थे. तो जनरल कैटेगरी के लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती हैं. ये अगर आप देखोगे एक दीवार पर लिखा हुआ था, कहाँ पे, वॉल प्रिंट इज फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर एन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनली फॉरवर्ड कास्ट जो थे स्वर्ण आर सीन एज कॉलिंग अ स्टेट वाइड मीटिंग प्रेशराइज करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को टू काउंटर द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल बैकवर्ड कास्ट. तो इसका ऑपोजिट भी देखने को मिला, जो फॉरवर्ड कास्ट है वो भी नहीं चाहते कि जो ट्रेडिशनली बैकवर्ड है उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट्स जो है मिले. तो दिस इज योर स्वर्ण कृति मार्च, ठीक है, औरंगाबाद का. इन वेक ऑफ श्रिंकिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्पेस, जो फाइट स्कार्स पब्लिक जॉब्स के लिए इज नाउ बिकमिंग मोर इंटेंस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बैटल इसमें हो रहा है और जो ओपन मेरिट के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. दिस आई अग्री, हम सब ने की है. 2006 में नागराज केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, हेल्ड दैट जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का, जिसको एक्सक्लूड किया जाएगा रिजर्वेशन ओबीसीज में, अदर बैकवर्ड कास्ट में जो आता है, ये एप्लीकेबल होगा टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को भी, ऑल्सो इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. फिर नागराज का केस आप पॉलिटी में आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, या वहाँ पढ़ोगे, रिजर्वेशन प्रमोशन को लेके था एससीज एंड एसटीज में, ठीक है. ये आप पॉलिटी में देख लोगे, आपके डायरेक्टली सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल इतनी सी काफ़ी है, ठीक है. ये 1 मिनट, रिजर्वेशन इज नाउ बिकमिंग अ टूल फॉर गार्डनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स rather than merely remaining a tool of the social upliftment. ये हमें clear हो गया है. Traditionally जो forward caste हैं, they are now changing their historical positions on reservation and demanding that it should be based on the economic status. ठीक है, अब क्या करते हैं forward caste कहते हैं economic status पे भी reservation लाओ, and ऐसा हुआ भी 103rd Constitutional Amendment Act से क्या लेके आए ये, as if already वो reservations हमारे general category वाले लोगों के लिए problem नहीं थी. EWS भी आ गया एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, इसमें जो हाई कास्ट के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन हैं, कुछ क्राइटेरिया, घर कितने स्क्वायर फीट पे होना चाहिए, इनकम कितनी, एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, उस बात पे भी रिजर्वेशन जो है वो 10% एलोकेट करने लगे, ठीक है. कास्ट कंटिन्यूज टू प्ले पार्ट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एज अ प्रेशर ग्रुप, क्योंकि कास्ट एसोसिएशन बनती हैं और अपने जो उनके भी उनके कास्ट के मेम्बर्स के हक की बातें हैं वो मनवाती हैं गवर्नमेंट से, यही काम होता है प्रेशर ग्रुप्स का. बट थैंकफुली जो इंस्टेंसेस ऑफ ओपन डिस्क्रिमिनेशन है ये कम हो गई हैं, एंड देन कहीं ना कहीं वो एक रिजर्वेशन डिजर्व भी करती हैं, क्योंकि हमने देखा अभी थ्रू आउट डेकेड्स कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनसे उनके साथ हुई हैं, तो उसका उनको मुआवजा कुछ ना कुछ तो चाहिए. एंड रिजर्वेशन के थ्रू अगर वो उस वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें डिजर्व भी करते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा. ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड ड्यू टू सेलिटरी इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है ऑफ द दलित मूवमेंट हैज़ वीकन्ड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी इटसेल्फ, ठीक है. कास्ट मूवमेंट जो है अब मैनिफेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेयर अप्स इन द वेक ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट, जैसे सुसाइड किया था एक स्टूडेंट ने, रोहित वेमुला ने, PhD स्टूडेंट थे आई गेस, शायद हैदराबाद या कहीं, इन्हें सुसाइड किया था. वहाँ पे अगेन कुछ ऐसी कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी. या लिंचिंग ऑफ दलित्स इन ऊना गुजरात 2016 में हुए थे. ऐसे सेपरेट इंसिडेंसेस जो हैं आपको कई देखने को मिलेंगे. वो जो इंसिडेंट्स हैं वो आप नोट डाउन करोगे अपने नोट्स में, वाज करंट इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी. मार्केट इकोनॉमी जो है इसने भी श्रंक की है स्पेस फॉर कास्ट, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में कास्ट का कोई जो है वो रिलेशन नहीं है उस चीज़ के साथ, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन एट मैनिफेस्ट लेवल हैज़ गॉन बट हैज़ परसिस्टेड एट द लेटेंट लेवल, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन अभी भी है, चाहे वो सामने ना हो, मैनिफेस्टेड ना हो, लेकिन लेटेंट लेवल पे एक अनइंटेंडेड चीज की तरह जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है. रिसेंट ईयर्स में अंबेडकर एंड टू सम एक्सटेंट बुद्धा ऑल्सो, as Ambedkar embraced Buddhism before he died, emerged as a new demigod like Dalit icons. ठीक है, आपके अंबेडकर एंड बुद्धा, क्योंकि वो बुद्धिज्म बाद में कन्वर्ट किया था. दलित मूवमेंट्स आर नाउ लिमिटेड टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सच एज बहुजन समाज पार्टी एरा, ये भी डिक्लाइन हो गया. एंड न्यू लीडर्स लाइक जिग्नेश मेवानी इन गुजरात, चंद्रशेखर आजाद रावण इन यूपी एंड बिहार, वो अपनी खुद ही जगह जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी विल डिस्कस मोर अबाउट जो एंटी कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स हमें डिस्कस करना है अपकमिंग चैप्टर्स पे, वहाँ पे हम ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. अगर किसी के पास ये बुक अवेलेबल है जिसमें ये चैप्टर कम्प्लीटली गिवन है, क्योंकि मेरे इसमें कुछ पेजेस मिसिंग है, तो मुझे currentcrunch411@gmail.com पे मेल करें. एंड टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.